असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए झारखंड ने दिए 2 करोड़ रुपए। असम के सीएम ने जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहिबगंज को देंगे बिजली परियोजनाओं की सौगात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रांची में आदिवासी संगठनों के धरना कार्यक्रम में हुए शामिल। भू माफियाओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प। सीएनटी एसपीटी उल्लंघन पर जताई चिंता। राजकीय श्रावणी मेला का आज हुआ विधिवत उद्घाटन। देवघर में बनेगा बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुरु पूर्णिमा पर रांची में गुरुजनों को किया सम्मानित। और हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हरमन क्रूज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर। सिमडेगा में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से किया संवाद, दिए टिप्स। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोलिन और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इधर सत्र के सुचारू संचालन के लिए आज नई दिल्ली में सरकार की पहल पर सर्वदलीय बैठक हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की। स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं, और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4th स्थान हासिल करने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस उपलब्धि से युवा प्रेरित होंगे। असम के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए झारखंड ने असम मुख्यमंत्री राहत कोष के वास्ते 2 करोड़ रुपए की सहायता दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसके लिए झारखंड के लोगों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहिबगंज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विद्युत आपूर्ति को लेकर विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बरहेट ग्रिड सब स्टेशन तथा संचरण लाइन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित साहिबगंज दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज रांची में आदिवासी संगठनों के धरना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने भू माफियाओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। उन्होंने सीएनटी एसपीटी उल्लंघन पर भी चिंता जताई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। ये सब काम बिना सरकार के संरक्षण में नहीं हो सकता है। सीओ की इतना हिम्मत नहीं होगी। हमें तो हमने देखा कि अखबार में ही छापा था, एक और सीओ के यहाँ छापा लोग मार रहा था, और दूसरे तरफ उसको कंप्यूटर से डिलीट भी किया जा रहा था। तो इतने सारे काम बड़ी सुनियोजित तरीके से लोग कर रहे हैं और कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कार्रवाई कब का हो गया होता, सीओ के ऊपर एफआईआर होता। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने रांची में झारखंड छात्र परिषद द्वारा शिक्षा एवं रोजगार विषय पर आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए देश के नवनिर्माण के लिए उन्हें प्रेरित किया। नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा कि युवा ही देश के कर्णधार हैं। भाजपा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
इधर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की आजकल सक्रियता बढ़ गई है। मंत्री दीपक बिरुवा की उपस्थिति में पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी में झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। श्री बिरुवा ने संगठन मजबूती और विस्तार के लिए अहम निर्देश तथा सुझाव दिए। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में आज उन्नति का पहिया योजना के तहत 3,500 विद्यार्थियों के बीच निःशुल्क साइकिल वितरण हुआ। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जिले में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराकर उनका हौसला बुलंद किया जा रहा है। आप इस तरह से जामताड़ा जिले के कार्य का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को आप जल्द से जल्द अमली दाव पहुंचा रहे हैं। सरकार की सोच है कि हम लोग पढ़े लिखे बच्चों को साइकिल दें। हम लोग इस अवसर पर उपायुक्त कुमुद सहाय ने कहा कि जिले में 16,000 स्कूली छात्राओं के बीच चरणबद्ध तरीके से साइकिल वितरण का काम किया जा रहा है। टोटल 16,000 साइकिल वितरित किया जा रहा है, जिसमें नारायणपुर ब्लॉक में 3,450 साइकिल वितरित किया जाना है। साइकिल मिलने के बाद इसके पूर्व हम लोगों ने माननीय मंत्री के द्वारा जामताड़ा जिले में भी वितरित किया, जामताड़ा प्रखंड में भी वितरित किया गया था, तो हम लोगों ने उनके चेहरे पे खुशी देखी है बच्चियों के। साइकिल मिलने से छात्राओं में भी खुशी की लहर है। वहीं मंत्री ने इस दौरान अन्य योजनाओं के चयनित लाभुकों के बीच भी परिसंपत्ति का वितरण किया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। झारखंड राज्य जल सहिया संघ के बैनर तले चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की जल सहियाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री दीपक बिरुवा के आवास के सामने धरना दिया। उन्होंने श्री बिरुवा से मुलाकात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपते हुए मानदेय बढ़ाने समेत अन्य सुविधाओं का लाभ देने का आग्रह किया। मंत्री दीपक बिरुवा ने जल्द ही विचार कर समाधान करने का उन्हें आश्वासन दिया। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव आज से शुरू हो गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपिका पांडे सिंह और विधायक नारायण दास ने झारखंड बिहार की सीमा पर दुम्मा में इस मेले का उद्घाटन किया। झारखंड स्थित बाबा नगरी देवघर श्रावणी मेले को लेकर पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। यहां परंपरा के अनुसार सावन के एक दिन पहले ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। झारखंड बिहार की सीमा पर दुम्मा में राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास भी मौजूद थे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि देवघर में बाबा वैद्यनाथ कॉरिडोर बनाने की योजना है और निश्चित रूप से बाबा वैद्यनाथ की कृपा होगी और तो यहाँ देवघर में कॉरिडोर निश्चित रूप से बनेगा। सावन महीने में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण के लिए देश दुनिया से हर रोज लाखों की संख्या में भक्त बाबा नगरी पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, हजारों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर से भी अधिक पैदल कांवर यात्रा करते हुए बाबा के दर पर पहुंचते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कांवरियों की सुविधा, सेवा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंत्री जी ने यहाँ आकर के जिस तरीके से समीक्षा की और निर्देश दिए हैं, यह साबित करता है कि हमारी जो सरकार है वो कृत संकल्प है कि श्रद्धालु यहाँ आए और एक अभूतपूर्व यहाँ से अनुभव लेकर के जाएं। बाबा नगरी देवघर की महिमा अपरंपार है और यहाँ की परंपरा भी खास है। यहाँ बेलपत्र प्रदर्शनी और बिलपत्र चढ़ाने की परंपरा भी 150 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। पिछले दिनों बांग्ला सावन से यहाँ बेलपत्र प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ। ये बेलपत्र परंपरा हम लोग का चल रहा है और बाबा वैद्यनाथ यही प्रार्थना करते हैं सब बेलपत्रिया को आनंद रखे और इसी तरह जगत कल्याण जंगल से बहुत दूर दूर से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर हजारीबाग बहुत ज्यादा घना जंगल से हम लोग बेलपत्र चुन चुन के लाते हैं बहुत कष्ट से। केंद्र प्रायोजित प्रसाद योजना के तहत देवघर में श्रद्धालु सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर इस बार भी सावन में बाबा की स्पर्श पूजा बंद रहेगी और भक्त अर्घा के जरिए बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने कांवरिया पथ समेत पूरे मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि शिव भक्तों को कोई असुविधा ना हो। देवघर से मनीष दुबे के साथ मैं दिवाकर कुमार।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा स्थित महादेव शाल धाम में आज से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। सांसद जोबा मांझी ने इस मेले का विधिवत उद्घाटन किया। महादेव शाल धाम पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में स्थित है। यहां वर्षों से श्रावणी मेले का आयोजन होता आ रहा है। सांसद जोबा मांझी ने मेले का उद्घाटन करने के बाद कहा कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां उचित व्यवस्था की गई है। यहां अपना एक आस्था विश्वास है, इस आस्था विश्वास से लोग अपना मनोकामना पूरा कर होती है और हम लोग यही कामना करते हैं कि आगे भी अच्छा से हो, लोग शांति रहे, सुख रहे और अपना जो भी मनोकामना हो। वहीं महादेव शाल सेवा समिति के सचिव रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि यहां अन्य प्रदेशों से भी लोग बाबा पर जल चढ़ाने आते हैं। संपूर्ण व्यवस्था यहां पे की गई है आपके रहने के लिए और लाइटिंग की भी पूर्ण व्यवस्था है, पार्किंग की भी सही व्यवस्था है, हमने CCTV कैमरा भी लगाया है। एक हमारा सहायता केंद्र है जो 24/7 काम करता रहेगा। पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो गई है। मैं सभी श्रद्धालुओं से फिर से अनुरोध करूंगा कि आएँ और अपने यहाँ पर जल डालें और अपने मनोकामना को पूर्ण करें। महादेव शाल धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसके पीछे का इतिहास रेल प्रशासन से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के शासनकाल में बंगाल नागपुर रेल लाइन बिछाने के दौरान एक मजदूर ने शिवलिंग रूपी पत्थर देखा था, जिसके बाद मजदूरों ने खुदाई करने से इनकार कर दिया। बाद में ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट हेनरी ने फावड़ा उठाकर खुद ही पत्थर हटाने की कोशिश की, जिसमें शिवलिंग का एक हिस्सा टूट तो गया लेकिन रॉबर्ट हेनरी की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद सुरंग का रास्ता बदलना पड़ा और उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कर पूजा अर्चना शुरू की गई। यही वजह है कि आज भी श्रावणी मेले के दौरान रेल प्रशासन कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के अस्थायी ठहराव की व्यवस्था करता रहा है। रांची के धुरवा आदर्श नगर स्थित घासी मोहल्ला में महाकाल मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी आस्था प्रकट की। गुरु पूर्णिमा पर आज राज्य भर में गुरुओं का सम्मान हुआ। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ आज धुरवा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित आचार्य सम्मान सह अरुणोदय पत्रिका के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गुरुजनों को सम्मानित किया और उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रांची के योगदा सत्संग आश्रम में भी शिष्यों द्वारा अपने गुरु योगानंद परमहंस की विशेष पूजा अर्चना की परंपरा है। खास स्थान और महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों द्वारा गुरुओं की विशेष पूजा होती है। रांची के हृदय स्थली में स्थित योगदा परमहंस आश्रम में भी हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु योगानंद परमहंस के शिष्यों का जुटान होता है। आश्रम के प्रभारी स्वामी आदित्यानंद गिरी ने कहा कि जीवन में सही मार्ग के लिए हर किसी को गुरु की आवश्यकता होती है। योगानंद जी भी ऐसे ही एक सद्गुरु हैं जो हमारे सद्गुरु हैं, हमारे गुरु। तो आज के दिन हम उन्हें विशेष मान देते हैं। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी इस आश्रम से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आश्रम में समरसता और सौहार्द की प्रशंसा की। योगानंद जी में यही खूबी है कि वो सभी धर्मों का आदर करते हैं और यहाँ जो उनके शिष्य हैं इसमें कोई बाधा नहीं है कि इसमें किसी एक जाति के लोगों को होना है, एक धर्म के लोगों को होना है। उनके शिष्य क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, तमाम धर्म के लोग हैं। ये सबसे बड़ी खूबी उनमें है। आश्रम में कुछ शिष्य तो यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन कई पीढ़ियों से आ रहे हैं। वे बताते हैं कि यहाँ आने से उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उन्हें संबल प्रदान करता है। गुरुदेव जी के बताए हुए रास्ते पर चल के बहुत कुछ हमें ज्ञान और सभी चीज़ों की प्राप्ति हुई और इस चीज़ को मैंने अपने
आने वाली जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरी बेटी है, उसको भी ट्रांसफ़र किया कि बेटा तुम यहाँ आओ। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ, मतलब पहले ही दिन आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे अंदर भर गई है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने हर संडे को यहाँ पे आना स्टार्ट किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन में सफलता की सीढ़ियां गुरुओं के मार्गदर्शन में ही चढ़ी जा सकती है। डीडी झारखंड के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत चक्रधरपुर में अंजुमन इस्लामिया द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर 114 टॉपरों और कौमी खिदमत करने वाली 18 संस्थाओं से 30 प्रबुद्ध लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुखराम उरांव भी मौजूद थे। कुल्हान विश्वविद्यालय की टॉपर छात्रा जबीना परवीन को सम्मानित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नज़ीर पेश करते हुए जबीना की माँ को मंच पर बुलाकर अपने हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी उतारकर मां बेटी के हाथों में सौंप दिया। गुमला जिले के 26 छात्रा इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में शैक्षणिक भ्रमण पर जा रही हैं। इन चयनित छात्राओं ने साइंस ओलंपियाड प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इन्हें रवाना किया। वाली ये 26 छात्राएं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की 9वीं और 11वीं की छात्राएं हैं। जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि श्री हरिकोटा के लॉन्चिंग पैड के अलावा छात्राएं अन्य शैक्षणिक केंद्रों का भ्रमण भी करेंगी। और साइंस ओलंपियाड में जिन बच्चियों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनको हम लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्री हरिकोटा में स्थित है वहाँ इसरो का जो लॉन्च पैड है उसका भ्रमण और चेन्नई में साथ ही साथ जो और भी शैक्षणिक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्थल हैं उनके भ्रमण के लिए भेज रहे हैं। वहीं शैक्षणिक भ्रमण में इसरो जा रही इन छात्राओं में भी उत्साह देखते ही बन रहा है। छात्राओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें वैज्ञानिकों के कामकाज को नज़दीक से देखने और सुनने का मौका मिलेगा जिससे विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। हम लोग इसरो जा रहे हैं, हम लोगों को एग्ज़ाम लिया गया था, इसमें हम लोग फर्स्ट आए थे सभी को ही, और हम लोग को इसरो घूमने के लिए ले जाया जा रहा है। खुशी हुई कि मैं इसरो जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं वहाँ पे मतलब मेरा जब चयन हुआ तो मतलब मैं आगे जाके साइंस ही लेके पढ़ना चाहती हूँ। अनुमंडल पदाधिकारी चैनपुर के नेतृत्व में जा रही ये छात्राएं अपना शैक्षणिक भ्रमण खत्म कर 24 जुलाई को वापस लौटेंगी। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली हाट में गुमला जिला ने रागी मिशन के तहत उत्पादित रागी उत्पादों का स्टॉल भी लगाया गया है जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के दिशा निर्देश पर जिले के रागी उत्पादों को अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए यह पहल हुई है। हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हरमन क्रूज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने सिमडेगा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकलव्य सेंटर और आवासीय सेंटर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से संवाद किया, साथ ही अपने अनुभव साझा करते हुए कई टिप्स दिए। हॉकी इंडिया के निर्देश पर वे लगातार देश के विभिन्न एकेडमी का दौरा कर रहे हैं ताकि खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके। सिमडेगा दौरे के बाद वे खूंटी के लिए रवाना हो गए। शहर को हरा भरा बनाने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हजारीबाग में आज ओपन मैराथन का आयोजन किया गया। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने इस ओपन मैराथन का उद्घाटन किया। हजारीबाग शहर को हरा भरा बनाने के लिए रन फॉर ग्रीन नामक ओपन मैराथन का आयोजन हुआ। ग्रीन हजारीबाग के स्लोगन के साथ आयोजित इस मैराथन में कोडरमा, रामगढ़ और पड़ोसी राज्य बिहार से आए लगभग 10,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। गांधी मैदान से शुरू होकर यह मैराथन शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए पुनः गांधी मैदान में ही आकर समाप्त हुई। भारत माता की जय।
मैराथन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर 1,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह संकल्प आम लोगों के सहयोग से पूरा हो सकेगा। अगली बार 5,00,000 पौधा लगाने का प्रयास करेंगे। सब लोगों ने साथ दिया इस मुहिम में और हम लोग का जो लक्ष्य था 1,00,000 वृक्ष लगाने का, उसमें 65,000 पौधा हम लोगों ने अभी तक लगा चुका और 10-15 दिनों के अंदर हम लोग का जो मिशन बचा हुआ उसको हम पूरा करेंगे। हर लोगों से यही निवेदन करना चाहें कि हजारीबाग को आगे बढ़ाने के लिए, जो हजारीबाग हमारा हजारों बागों का शहर था, उसके लिए हम लोगों ने 1,00,000 पौधे के लिए अपने तरफ से, अपने टीम के तरफ से एक शुरुआत की थी, वो पूरा होने के तैयार है। मैं पूरा अगले साल फिर दुगने उत्साह के साथ लोगों के बीच में जाऊंगा। कार्यक्रम के दौरान मैराथन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय रांची द्वारा सीएसआर के तहत लगातार जनकल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष रूप से 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। एनटीपीसी स्वयं सिद्धि देवियों की अध्यक्ष रेखा जैन और अन्य सदस्यों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर स्कूल की प्रिंसिपल को सौंपा। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वॉइस कमांड सुविधाओं के नवीनतम संस्करणों से लैस है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सभी देशवासियों को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रांची के विधायक सीपी सिंह ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पिस्का मोड़ स्थित सिन्हा कंपाउंड के विभिन्न गलियों का दौरा कर जन समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर लोगों ने बिजली तारों को बदलने और नाली का निर्माण की मांग रखी। श्री सिंह ने दोनों कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने विधायक कोष से बड़ा तालाब से मारवाड़ी महाविद्यालय के रास्ते में नाली निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। सरायकेला उपायुक्त ने गम्हरिया अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जाति, आय एवं म्यूटेशन संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा कर आवेदनों के ससमय निष्पादन पर जोर दिया। बोकारो उपायुक्त ने बताया कि जिले के 3 प्रखंडों में 161 शिविर आयोजित कर 9,965 बच्चों के हृदय की जांच की गई। उन्होंने कहा कि यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। उपायुक्त ने अभिभावकों से ऐसे शिविरों का लाभ उठाने की अपील की। बोकारो के गोमिया प्रखंड सभागार में मुखिया और पंचायत सचिवों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। लातेहार जिला मुख्यालय के करकट स्थित एक पेट्रोल पंप के पास आज सुबह 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिकअप वैन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सावन की पहली सोमवारी पर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पहाड़ी मंदिर सहित दूसरे शिव मंदिरों का जायजा लिया। SSP ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राजधानी में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। गिरिडीह जिले में एक युवक का शव तालाब से बरामद हुआ है। घटना भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के हरियाडीह पंचायत के डूमर बाकी स्थित तालाब की बताई जा रही है। परिजनों ने पीट पीट कर हत्या किए जाने का संदेह जताया है। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति को चपेट में लेने के बाद वाहन पेड़ से टकरा गई। इस घटना में मारे गए रामजीत ठाकुर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुराइन पत्रा गांव का रहने वाला था। आज रांची में 34 अज्ञात शवों का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रांची के जुमार नदी के तट पर मुक्ति संस्था की ओर से इन शवों को सामूहिक दाह संस्कार किया गया। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा हुटवार में जेल अदालत सह विधिक
जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 8 वादों का निष्पादन करते हुए 10 बंदियों को दोष स्वीकार करने के बाद जेल अदालत का लाभ देते हुए कारा से मुक्त किया गया। मौके पर डालसा सचिव कमलेश बेहरा समेत अन्य लोग मौजूद थे। रांची अंतर्गत कांके के पूर्व विधायक हीरा राम तूफानी का आज दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें सांस की दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। हीरा राम तूफानी साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर कांके से विधायक बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर साझा किए जा सकते हैं। घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में अभी भी मॉनसून कमजोर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सरायकेला के कुचाई प्रखंड में सर्वाधिक 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने 23 से 25 जुलाई के बीच कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अब तक औसतन 51% कम बारिश हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए झारखंड ने दिए 2 करोड़ रुपया। असम के सीएम ने जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहिबगंज को देंगे बिजली परियोजनाओं की सौगात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रांची में आदिवासी संगठनों के धरना कार्यक्रम में हुए शामिल। भू माफियाओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प। सीएनटी एसपीटी उल्लंघन पर जताई चिंता। राजकीय श्रावणी मेला का आज हुआ विधिवत उद्घाटन। देवघर में बनेगा बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुरु पूर्णिमा पर रांची में गुरुजनों को किया सम्मानित। और हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हरमन क्रूज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर। सिमडेगा में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से किया संवाद। दिए टिप्स।